वही ये डाड़ देवी का एंट्रेंस है और अभी चल रहे मोबाइल वोबाइल थी लगो हमारे प्रसाद के। अच्छा प्रसिद्ध मंदिर है। आठवीं अष्टमी और नवमी के दिन इतनी भीड़ पड़ेगी यहाँ पे जो पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 7:30 और अभी मैं आया हूँ राजकुमार के साथ डाड़ देवी मंदिर। कोटा का एरिया में मतलब एक अच्छा प्रसिद्ध मंदिर है। और अभी से करना राजकुमार को जानते होंगे आप, पहले भी मिले होंगे व्लॉग में। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर की साइड। बहुत टाइम पहले आया था मैं, अब करीबन 3-4 साल पहले। तो अब गिर पहले बजाएंगे घंटा। देंगे देंगे ले राजकुमार लेट या तो जा नारियल फोड़ो आए हो ल पकड़ दो बांद्रा पाच कितना पड़ेगा ना पड़ा का वहां भी दिया जाएगा ना दे दे मन राजा ये पाच ना पड़ जाए उदारी का लो वाइड एंगल। तो भाई ये डाड़ देवी का एंट्रेंस है और अभी चल रहे नवरात्रे। आज का दिन सप्तमी, आज 7वां नवरात्रा है। और अभी हमने ये तिलक लगवाया, कैसा लग रहा है? शानदार सेम तिलक। आज नॉर्मल लोग है ऐसे, जस्ट कोई राइड वगैरह नहीं है। और मैं मेरी बाइक भी नहीं लेके आया, इसकी इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके आया। इलेक्ट्रिक स्कूटी की पावर अबे चलती है, पता ही नहीं पड़ती कि चल भी रही है। शेर तो अभी हम अंदर दर्शन करके आते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको क्या सीन है। अब या तो निकलवा कुछ अब अंडसन ज्यादा क्यों घूम रहे थे तू। A few moments later. दाढ़ का दर्द? अरे दाढ़ दाढ़ वाड़ में दर्द को ना बार मारो काई। जय हनुमान जी। राजा ला मैं बार बार ही करना अपन। हम दोनों ने पंडित जी को पैसे नहीं दिए, इसलिए पंडित जी ने हमारा तिलक नहीं लगाया ना, चरणामृत पिलाया उन्होंने। अच्छा तो भाई पैसे की भी पावर है जिन्होंने। यहाँ पे बिना पैसे दिए तिलक लगा दिया उन्होंने। देखा लगा दिया तिलक, बिना पैसे दिए काम हो गया। तो भाई ये था डाड़ देवी का छोटा सा एरिया। छोटे छोटे कुंड बन रहे हैं यहाँ पे, छोटा छोटा कुंड बन रहे हैं जगह जगह, पार्टी वार्टी के लिए मुर्गा वगैरह भी। चुन्नी बांध उतार रही है, बांध लेना, बांध ले तू, बांध ले दो जगह, एक के एक के ना बांध ले, तारा बांध ले, चल उठी से चल। मोबाइल वोबाइल थी लगो हमारे प्रसाद खिला देख ले, हाथ में ला ले इधर।
अभी यही ज्यादा कुछ था नहीं, नॉर्मल था। और अभी आठवीं अष्टमी और नौवीं के दिन इतनी भीड़ पड़ेगी यहाँ पे, जो पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। और अभी देखो कितना फ्री एरिया हो रहा है यहाँ पे, ये सब भरी रहेगी लाइन है आने जाने के लिए। पुलिस भी आ जाएगी यहाँ लगाने के लिए। और ये माता जी का पूरा भक्त बन रहा है। बांध लो बांध लो, ताकि लगू बांधूगा। एक छोटा सा मिनी व्लॉग। और यहाँ पे आने के लिए हम जो हैं सुबह 5:30 बजे जग गए और नहा धो के 7:30 बजे तक डाड़ देवी मंदिर। तो भाई ये लास्ट का बस खत्म, डाड़ देवी मंदिर यहाँ तक ही था। तो डाड़ देवी माता जी के यहाँ के दर्शन हो गए, अब हम निकलेंगे यहाँ से। इतनी ज़्यादा हमने सोची था ना, जितना टाइम तो लगा नहीं यहाँ पे, मतलब लगा था हमें कि बहुत भीड़ होगी, क्योंकि नवरात्र के सीज़न में इतना ही भीड़ होती है। और आज के सप्तमी इस वजह से आज भीड़ नहीं है, अष्टमी और नवमी के दिन इतनी भीड़ रहेगी क्या बताऊँ आपको। तो अभी हम चलते हैं। और यहाँ का जो आने जाने का रूट है ना, इतना शानदार रूट है, मतलब वैसे हम इलेक्ट्रिक बाइक से आए हैं, अगर मेरी बाइक होती ना तो मतलब 100-120 मतलब तगड़ी राइड होती उसमें यार। 8 बजने वाली है अभी, और अभी यहाँ भीड़ धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे अब मुझे लग नहीं रहा कि इतना नॉर्मल रहेगा यहाँ। राजकुमार निकाल रहा अपनी स्कूटी इलेक्ट्रिक, निकाल भैया इलेक्ट्रिक स्कूटी, सस्ती हस्ती ब्रो। थोड़ा बहुत प्रसाद दे दिया तो घर पर चलोगे ना। इधर पार्टी करती पब्लिक, वो देखा ना बट्टी हाँ चूल्हा बना तो रहे थे पत्थर से, चूल्हे बना रखे हैं पब्लिक ने। और पार्किंग ठीक ही है, पार्किंग हवा तो क्या नॉर्मल जा बढ़ जाओगी या फिर थोड़ी देर बाद 10 बत्ता तो देख जो कितनी हो जाओगी पब्लिक यहाँ। 10 बजे की लमसम तो पब्लिक इतनी हो जाएगी। देखो अभी आ रही है जो गाड़ियाँ, कंटिन्यू आ रही है, कंटिन्यू। आ जा रेस कम हो जाओगी। शानदार रास्ता है यहाँ का एकदम, सुबह सुबह मॉर्निंग में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम शांत सुनहरा अवसर मौका शूट के लिए, फोटो शूट के लिए शानदार। ये बढ़िया था गुरु। एक नंबर व्यू है यार, और बारिश के टाइम शांत वातावरण। गूगल में अवेलेबल है, गूगल में से जा जाए वहाँ जा सकते।